और हरियाणा उन्हें मुख्यमंत्री देखना चाहता है, तो दुष्यंत को रोकने के लिए तो बाप और बेटा वो भी और दूसरी तरफ हमारे प्रिय चाचा भी, सब लोग लगे हुए हैं। मगर हरियाणा की जनता ने ये तय कर लिया कि दुष्यंत को पीछे नहीं जाने देंगे, बल्कि 35 साल के नौजवान को हरियाणा का सबसे युवा मुख्यमंत्री देखेंगे और 2024 के लिए उसके लिए कमर कसेंगे। तो आप लोग नहीं चलने देना चाहते, मैं तो जहाँ जाता हूँ सवाल एक है, आप मुझे बताओ कि सरकार के तौर पे दोनों पार्टियों की वर्किंग में कहीं कोई ईर्ष्या हो, कोई द्वेष हो? आज राजनीतिक तौर पे संगठन को 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे मजबूत करना है, 10 लोकसभा में कैसे मजबूत करना है, ये भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और जननायक जनता पार्टी भी कर रही है। और मुझे लगता है कि ये इतिहास भी रहा है, अकाली दल हो, उनका बीजेपी के साथ पंजाब में था तो दोनों पार्टियों ने सब जगह प्रचार किया, लास्ट में आकर एमिकेबली एक रिजल्ट निकाला। आगे तो चुनाव डिक्लेयर होने थे, उसके बाद नतीजे लिए जाएंगे। ओम प्रकाश चौटाला जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ इन लोगों का गठबंधन हो सकता है, कहीं ना कहीं कांग्रेस और इन लोगों का गठबंधन होता तो लगता है कि बराबर में पहले करवाओ तो सही। मैं तो 6 महीनों से सुन रहा हूँ राम राम बताओ हाँ भाई इसने आऊंगा ना जननायक जनता पार्टी पूरी तौर पर आज हरियाणा प्रदेश के अंदर सक्रिय है। कोविड काल के पश्चात हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता जन जन के संपर्क में है। हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पॉलिसीज को लेकर के गांव-गांव घर घर जा रहे हैं और लोगों का विश्वास हमें मिल रहा है। कल मैं नांगल चौधरी में था, इतना अपार जनसमूह, इतना लोगों में उत्साह मैंने या तो 2019 में देखा था या आज देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई दुष्यंत चौटाला को लोग बड़ी ताकत के तौर पर हरियाणा में आगे देखना चाहते हैं। केजरीवाल जी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनका हरियाणा में कोई लीडर नहीं है और लीडर जब तक नहीं होगा, पंजाब में भी वो जीते इसलिए क्योंकि वहाँ भगवंत मान जी का चेहरा था, हरियाणा में अभी भी आम आदमी के पास कोई चेहरा नहीं है। हरियाणा की राजनीति में बिना चेहरे के लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। अगर बात करें वैसे कांग्रेस की काफ़ी मुखर है, खासकर बीजेपी पर, वो कहते कि ये गठबंधन जो है गठबंधन है बीजेपी जो मजबूरी में यहाँ पर। भाई हम क्यों मजबूरी में, हम जनता के काम कर रहे हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिन मुद्दों पे हमने पार्टी बनाई थी उनको पूरा कर रहे हैं। अब उनसे जो है ना, उन लोगों को तो इस बात का पेट में दर्द है कि उनके युवराज का भविष्य अंधकार में है क्योंकि दुष्यंत जी ने डेवलपमेंट की, दुष्यंत जी ने संघर्ष किया। जब उनके पिता और दादा जेल में थे तब अपने पैरों पर चल के हरियाणा के लोगों का विश्वास जीता, और एक तरफ उनके युवराज हैं तो वो विदेश से तब आए थे जब उनके पिता CM बन चुके थे, फ्री में MP की सीट मिल गई तो सारी उम्र मौज लूटी है। तो अब दर्द है उनको कि दुष्यंत संघर्ष के बलबूते पर चौधरी देवीलाल की राही चलकर बहुत आगे चले गए और हरियाणा उन्हें मुख्यमंत्री देखना चाहता है। तो दुष्यंत को रोकने के लिए तो बाप और बेटा वो भी और दूसरी तरफ हमारे प्रिय चाचा भी, सब लोग लगे हुए हैं। मगर हरियाणा की जनता ने ये तय कर लिया कि दुष्यंत को पीछे नहीं जाने देंगे, बल्कि 35 साल के नौजवान को हरियाणा का सबसे युवा मुख्यमंत्री देखेंगे और 2024 के लिए उसके लिए कमर कसेंगे। जो मंडी में लगभग 53 लाख की लागत से जो मासाधरों के मुख्यमंत्री महोदय ने किया है, बीजेपी बार बार ये कह रही है कि हम 10 लोकसभा। हर पार्टी को हर जगह प्रचार का अधिकार है और मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों ने अपना कार्य और गति से आगे बढ़ाने का काम किया है और मैं ये मानता हूँ कि दोनों पार्टियाँ बड़े अच्छी तरीके से प्रदेश के अंदर काम कर रही है। आज के दिन प्रदेश की डेवलपमेंट को और प्रदेश के उद्धार को देखते हुए हमने अब तक काम किया है और आगे भी इसी प्रकार से करते रहेंगे। जहाँ डेवलपमेंट वर्क्स की बात है, चाहे वो दादरी के हो चाहे किसी और ज़िले के हो, सरकार ने 22 के 22 जिलों को बराबरी से, सभी 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बराबरी से
हमने टेकअप किया है और आज उसका नतीजा आने लगा कि पूरे प्रदेश में डेवलपमेंट वर्क्स गति से आगे बढ़े। ऑलरेडी सरकार ने निर्णय, सीएम साहब ने भी हफ्ते पहले इसकी अनाउंसमेंट कर दी है कि इसको निल किया जाए। सर लगातार बात ये आ रही थी गठबंधन को लेकर, आप आला नेताओं से भी मिले थे, उस दौरान आपने ये भी कहा था कि हमारा गठबंधन कहीं ना कहीं लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव जो, मुझे लगता है आप लोग नहीं चलने देना चाहते। मैं तो जहाँ जाता हूँ सवाल एक है, आप मुझे बताओ कि सरकार के तौर पे दोनों पार्टियों की वर्किंग में कहीं कोई ईर्ष्या हो, कोई द्वेष हो? आज राजनीतिक तौर पे संगठन को 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे मजबूत करना है, 10 लोकसभा में कैसे मजबूत करना है, ये भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और जननायक जनता पार्टी भी कर रही है। और मुझे लगता है कि ये इतिहास भी रहा है, अकाली दल हो, उनका बीजेपी के साथ पंजाब में था तो दोनों पार्टियों ने सब जगह प्रचार किया, लास्ट में आकर एमिकेबली एक रिजल्ट निकाला। आगे तो चुनाव डिक्लेयर होने दो, उसके बाद नतीजे लिए जाए। ओम प्रकाश चौटाला जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ इन लोगों का गठबंधन हो सकता है, कहीं ना कहीं कांग्रेस और इन लोगों का गठबंधन होता तो लगता है कि बराबर में पहले करवाओ तो सही। मैं तो 6 महीनों से सुन रहा हूँ।